गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। एक बार गौतम बुद्ध सिंसवा वन में पर्णशैया पर विराजमान थे कि हस्तक आलबक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे? हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। किंतु भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायुरहित और बंद हो, उसके पलंग पर चार अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए चार भार्याएं तत्पर हों, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों न सोएगा? उसे सुख की नींद ही आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार, तथागत की राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है, इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या। सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी पंगरतु, एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यानमग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यानमग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा, तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है
और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे।